हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रंजी के जीस विद सदफ। आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी तो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में। पेपर के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट, अभी क्या है ये रामसर साइट? रामसर साइट स्थल, साइट मीन क्या होता है? स्थल होता है। अब ये रामसर क्या है? रामसर एक सिटी है। रामसर क्या है? एक सिटी है जो है कहाँ पर? जो है ईरान में। ठीक है, रामसर इज अ सिटी इन ईरान। रामसर ईरान का एक शहर है। अब ये शहर इम्पोर्टेंट क्यों हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1971 में रामसर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या हुआ था कि मतलब एक वेटलैंड होता है, आप लोग वेटलैंड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वेटलैंड मतलब होता है आर्द्रभूमि, मतलब ऐसी जगह जहाँ नमी हो, दलदली हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि। जैसे तालाब हो गए, लेक हो गई, तो ये हमारी क्या हो गई? वेटलैंड्स हो गए। तो इनके लिए क्या हुआ था, 1971 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई थी। किस किस वजह से? उनके कंजर्वेशन की वजह से। ठीक है, बाय यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा एक ट्रीटी साइंड हुई थी। ठीक है, व्हेन अ वेटलैंड इज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। जब कोई वेटलैंड को हम लोग रामसर घोषित करते हैं तो क्या होता है, वहाँ की जो गाइडलाइंस है बहुत स्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं और कड़े दिशा निर्देशों के तहत उसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो रामसर साइट क्या हुआ, एक स्थल का नाम है, एक स्थल है। और रामसर क्या है? रामसर एक सिटी है जो जो है कहाँ पर? ईरान में। अब हम लोग मैप पर देखेंगे कि जो हमारी रामसर सिटी है वो कहाँ पर है, तो ये ईरान है। ईरान में ही क्या है? रामसर सिटी है। ठीक है, रामसर सिटी कहाँ है? ईरान में। एक एक वर्ड आता है रामसर साइट, तो वो क्या है? अब जब कोई वेटलैंड रामसर साइट घोषित किया जाता है, क्यों उसको क्यों बोलते हैं कि भाई ये रामसर साइट घोषित किया गया? क्योंकि जो हमारा पहला वेटलैंड जिसका कंजर्वेशन किया गया था वो कहाँ पर था? रामसर सिटी में था। इसी वजह से उसी के नाम पर हम लोग ऐसे वेटलैंड जिसका कंजर्वेशन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रामसर साइट। इस वजह से इसको हम लोग रामसर स्थल बोल देते हैं। ठीक है, और एक क्या पॉइंट है, एक है वर्ड रामसर कन्वेंशन, तो वो क्या है? वो है समझौता। ठीक है, वो है समझौता, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, रामसर सिटी क्या है? रामसर सिटी ईरान में है। अब हम लोग देखेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में, ये क्या है? एक समझौता है। ठीक है, क्यों हुआ था ये समझौता? ये इस वजह से हुआ था, रामसर कन्वेंशन एक सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। आप लोग देखते होंगे आसपास आपके तालाब खत्म से होते जा रहे हैं, तो इस वजह से ये समझौता किया गया था क्योंकि जो वेटलैंड्स हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनको उनको सुरक्षा देने के पर्पज़ से ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, कन्वेंशन का मिशन दुनिया में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि का संरक्षण और उचित उपयोग करना है। ठीक है, ये हुआ रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेटलैंड्स के बारे में, ये सारा जो समझौता है किसके लिए है? वेटलैंड्स के लिए। आखिर ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो वेटलैंड होती क्या है? आर्द्रभूमि। वेटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन पानी से ढकी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, तालाब देखा होगा, और तालाब हो गया, लेक हो गया, दलदली जगह हो गई, तो ये सब क्या होता है? वेटलैंड्स हो जाती हैं। जैसे तालाब है, झील है, नदी का डेल्टा या समुद्र का किनारा, जो निचले इलाके बाढ़ से आच्छादित रहते हैं, उन जगह को वेटलैंड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी जगह जहाँ दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है उनको भी वेटलैंड की श्रेणी में डाला गया है। जब कोई वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व का होता है तो उन्हें रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हुए रामसर कन्वेंशन। हम लोगों ने रामसर साइट देखा क्या होता है, फिर देखा रामसर कन्वेंशन, फिर अब हम लोगों ने क्या देखा, वेटलैंड के बारे में। अब वेटलैंड का इम्पोर्टेंट क्या है, इतने इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए वेटलैंड का महत्व?
उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में सहायक। कुछ कुछ ऐसे औषधीय प्लांट होते हैं जो कई तालाबों के पास में या फिर दलदली एरिया जहाँ पे होते हैं वहाँ पर ही पाए जाते हैं। तो ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा मखाने हैं, तो ये सब कहाँ पे होते हैं, ये सब ऐसे ही एरिया में होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल सुपर मार्केट। क्यों बोलते हैं, अगर ये ना हो तो बहुत सारी फूड वेब जो होती हैं कि भाई एक छोटा सा कीड़ा है उसको मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, फिर सांप को चील ने खाया, तो ये जो फूड वेब है ये इन्हीं के आसपास मतलब ज़्यादा क्रिएट होती है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल सुपर मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। जैसे हमारी जो किडनीज होती हैं वाटर को प्योरीफाई करती है, वैसे ही ये जो वेटलैंड्स होती है जो पृथ्वी का प्रदूषित पानी है उसको साफ करती हैं, जो गंदा पानी होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, साफ पानी पृथ्वी पर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण। कई लोग होते हैं तालाब में मछली पालन कर लेते हैं, कई जो औषधि हैं वनस्पति पालन, तो ये क्या है लोगों को आजीविका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे, जैसे कि अब ये वेटलैंड्स अगर हमारे एरिया में कई सारे हैं तो जहाँ पर रिवर्स होती है तो अगर बाढ़ आने के चांसेस है तो ये पानी वहाँ पर आ जाता है उनका, तो ऐसे उनकी वजह से जो एरिया है जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पानी कम आ पाता है। इस वजह से ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे पानी अब कमी हो गई खेतों के लिए तो यहाँ से पानी भी लोग अब यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा वेटलैंड का महत्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे जो रामसर साइट्स इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में कौन कौन सी रामसर साइट है ये भी तो देखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो हमारे इंडिया में ये आया था, कब आया था, 1 फरवरी 1982 को। इम्पोर्टेंट है इंडिया में कब लागू हुआ, 1 फरवरी 1982 को। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसी वजह से हम लोग क्या मनाते हैं, 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं वेटलैंड डे। ठीक है, 2 फरवरी को हर साल हम लोग वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे जो इंडिया में ये कब लागू हुआ, 1 फरवरी 1982 को। एक इसके पश्चात समय समय पर जो सर्वे होते हैं और देखते रहते हैं कहाँ पर ऐसे वेटलैंड्स हैं और उनको ये लोग फाइंड करते हैं और उसको रामसर साइट घोषित कर देते हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे इंडिया में कितनी है, 42 साइट हैं। ठीक है, तो इंडिया में कितनी है, 42 साइट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में कई वेटलैंड्स ऐसे भी हैं जो किसी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर स्थित हैं। ठीक है, जैसे कोयला देव नेशनल पार्क, ये है कहाँ पर, ये है राजस्थान में। और चिल्का झील उड़ीसा, भारत की पहली रामसर साइट थी। इम्पोर्टेंट है पहले कौन सा था, कोयला देव नेशनल पार्क जो कि है राजस्थान में, और चिल्का लेक झील उड़ीसा भारत में, ये हमारी पहली रामसर साइट थी। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन है, चिल्का झील, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 1,16,500 हेक्टेयर है। ठीक है, जो लेटेस्ट रामसर साइट्स है इंडिया अभी हाल ही में घोषित की है उनको पढ़ना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आती है और पेपर में आएंगी। ठीक है, तो देयर आर 5 साइट्स दैट हैव रिसेंटली बीन एडेड टू दिस लिस्ट। कौन कौन सी है, लोनार लेक जो कहाँ पे, महाराष्ट्र, आप लोग याद कैसे करेंगे, लोनावाला, तो ये लोनार लेक महाराष्ट्र हो गया। सुर सरोवर और कीथम लेक, सुर सरोवर लेक ये कहाँ पर है, आगरा में। ठीक है, ये कौन हो गया, आसन बैराज कहाँ पर है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में बहुत उत्तराखंड में हिमालय है, वहाँ पे हम लोग आसन बिछा के योगा करेंगे। ठीक है, तो ऐसा रिलेट कर लेंगे, वहाँ पर कितने सारे पहाड़ हैं तो ऐसी शुद्ध हवा में हम लोग क्या करेंगे, आसन करेंगे, तो आसन बैराज उत्तराखंड, सब रिलेट करके पढ़ना है। कंवर ताल और काबर ताल, कंवर ताल और या काबर ताल हम जिसको बोलते हैं वो कहाँ पर है, बिहार में। और सोकार झील जो हाल ही में घोषित की गई है वो है हमारी लेह में। इंडिया लेटेस्ट 42 रामसर साइट इज सोकार लेक जो है कहाँ पे, लद्दाख में। इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड क्या है वो देखेंगे,
इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, ये भी एक रिकॉर्ड है जिसमें क्या किया जाता है, वेटलैंड साइटों की एक लिस्ट बनाई जाती है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स में, जहाँ पर जो इकोनॉमिकल चेंज होते हैं वो होने वाले होते हैं या हो रहे होते हैं। तो ऐसे जो वेटलैंड्स होते हैं उनको हम लोग क्या किस रिकॉर्ड में डाल देते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। जैसे कि जो देखिए आप, जहाँ पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, या तकनीकी विकास प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने की संभावना है, ऐसे वेटलैंड्स को हम लोग मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। और एक पॉइंट है कि जो 2019 में जो रामसर साइट घोषित की गई थी वो कौन था, सुंदर फॉरेस्ट डेल्टा, जो है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। सॉरी, यहाँ फॉरेस्ट नहीं, यहाँ सुंदर वन डेल्टा होगा। ठीक है, सुंदर वन डेल्टा जो का है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट हम लोग मैप में देखेंगे, मैप में अब हम लोग देखते हैं, ये हमारी है जो साइट है रामसर साइट, वो है रामसर साइट्स इन इंडिया। अब आप लोग देखेंगे ये जो सर्कल है, देखिए लोकटक लेक का जो साइन देखिए, और एक कौन सा है, कोयला देव नेशनल पार्क। ये क्या है, ओनली टू वेटलैंड्स हैं जो रजिस्टर्ड अंडर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड फ्रॉम इंडिया। द फर्स्ट इज लोकटक लेक एंड द सेकेंड इज कोयला देव नेशनल पार्क। चिल्का लेक भी ऐड की गई थी लेकिन वो बाद में रिमूव कर दी गई। आप लोग मैप में देख रहे हैं तो ये लोकटक लेक हो गई, और ये और कोयला देव ये राजस्थान में हो गया। तो ये किस में शामिल है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। ठीक है, तो लोकटक लेक इज द ओनली वेटलैंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो जो लोकटक लेक है नॉर्थ ईस्ट की अकेली ऐसी वेटलैंड है जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, जो लद्दाख का सोकार भारत का 42वां रामसर साइट घोषित हुआ था। तो यहीं से हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ ही आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।